जब भी आप अपने बड़े सपनों के बारे में दूसरों से बात करोगे तो लोग आप पर हंसेंगे और कहेंगे कि तुम यह नहीं कर पाओगे, तुमसे तो यह होगा ही नहीं। गैरों की तो बात ही क्या करनी, तुम्हारे सगे संबंधी जिन पर तुम सबसे ज्यादा विश्वास करते हो वह भी तुम्हारी बात को मजाक में ही उड़ा देंगे, तुम पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। और तुमसे सिर्फ एक बात बोली जाएगी कि तुम सिर्फ उतना ही सोचो जितना तुम कर सकते हो। लेकिन वह लोग यह बात भूल जाते हैं कि कुछ भी बड़ा करने से पहले अपनी सोच, अपने सपनों को बड़ा करना पड़ता है। इसलिए आप घबराएं नहीं और हमेशा याद रखें, जिन जिन लोगों पर यह जंग फंसा है अंत में उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है। सोते हुए सपने तो सारी दुनिया ही देखती है, लेकिन जो जागने के बाद अपने सपनों के पीछे भागता है सफलता उसी के पास आती है। इसलिए आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आप बोलिए कम और करिए ज़्यादा, क्योंकि ये दुनिया आपके बोलने पर नहीं, आपके कुछ कर दिखाने के बाद ही आप पर विश्वास करेगी। ये दुनिया की सच्चाई है कि ज़्यादा बोलने वाले लोगों को कोई सुनना नहीं चाहता, लोग सिर्फ उसी को सुनना चाहते हैं जो ज़्यादातर बोल रहे हैं। इसलिए यदि आपके सपने बड़े हैं तो उन पर काम करो, उनके बारे में बातें करके अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि बातों का प्रभाव थोड़े समय के लिए ही रहता है लेकिन काम का प्रभाव हमेशा के लिए रहता है। जीवन में यदि कुछ हासिल करना है तो उस काम को करने में लग जाओ, आज अभी और इसी वक्त लग जाओ। हमेशा कम बोलने की आदत डालो, ज़्यादा बातचीत ना करो, इससे आप भी इस समाज में एक प्रतिष्ठित दर्जा हासिल कर पाओगे। कभी भी किसी को यह मत बताओ कि आप क्या कर सकते हैं, हमेशा उन्हें करके दिखाओ, ऐसा करना ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो इंसान कम बोलता है और शांत रहता है उसकी इस समाज में दूसरों से कहीं ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि खुद को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। इसलिए लोग आपको कुछ भी बोले, बस आप अपने ऊपर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। जुड़े रहिए ट्रू लाइफ के साथ।